साथियों, आज आईएमएफ भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। दुनिया में 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के बीच भारत ने बीते वर्ष रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व नई बुलंदियां छू रहा है। फ्रेंड्स, भारत ग्लोबल गुड के लिए कैसे काम कर रहा है, इसका उदाहरण हमारा डिजिटल स्टैक है। आप सभी भारत के फिनटेक रिवॉल्यूशन से भलीभांति परिचित हैं। आपको याद होगा, जब मैं 2014 में यहां आया था तब मैंने आपसे एक सपना साझा किया था। मेरा वो सपना था कि भारत में गरीब से गरीब का अपना बैंक खाता हो। आपको गर्व होगा दोस्तों, आपको गर्व होगा कि पिछले 9 वर्ष में हमने करीब 50 करोड़ भारतीयों के, यानी करीब 500 मिलियन बैंक अकाउंट खोले हैं। और सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना ही हमारी सफलता, हम वहां अटकते नहीं है। इसने भारत में पब्लिक सर्विस डिलीवरी के पूरे इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया। हमने जनधन बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और आधार आईडी की एक जेम ट्रिनिटी, JAM ट्रिनिटी बनाई है। आप सोचिए, इसे एक क्लिक पर करोड़ों करोड़ों देशवासियों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT संभव हुआ। और आपको और खुशी होगी, बीते 9 वर्षों में यह आंकड़ा भी आपको बहुत आनंद देगा, बीते 9 वर्षों में 28 लाख करोड़ रुपए, यानी 500 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से भी ज्यादा सीधे जरूरतमंदों के बैंक अकाउंट में भेजे गए हैं। कोरोना के समय में बहुत से देशों को अपने नागरिकों को पैसे भेजने में मुश्किल आई थी, लेकिन भारत उन देशों में था जो एक क्लिक पर ये काम पलकों में कर रहा था। यूनिवर्सल पब्लिक इंटरफेस यानी UPI ने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आज दुनिया के 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स
अकेले भारत में होते हैं। आप अभी भारत आए होंगे तो देखा होगा, आज फल सब्जी या पानीपुरी के ठेले हो या फिर चाय की दुकान, सब जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। साथियों, भारत का ये डिजिटल रिवॉल्यूशन सिर्फ फिनटेक तक सीमित नहीं है, भारत आधुनिक व्यवस्थाएं बना रहा है, लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। इसका एक उदाहरण भारत का डिजी लॉकर है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर डिग्री और प्रॉपर्टी के पेपर्स तक जो भी सरकार इश्यू करती है वो इस डिजिटल लॉकर में जनरेट होते हैं। करीब सैकड़ों तरह के डॉक्यूमेंट्स डिजिटल लॉकर में रिफ्लेक्ट होते हैं। आपको फिजिकल कॉपी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बस एक पासवर्ड काफी है। और इससे 15 करोड़ से ज्यादा यानी 150 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय जुड़ चुके हैं। इस तरह के कितने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म आज हर भारतीय को पावरफुल बना रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं।